हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा, आप में से कुछ बच्चों को नीट 2024 के फॉर्म को लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है। जब आप उसे लॉगिन करते हैं या आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो OTP नहीं आ रहा है। तो आप ऐसा करिए कि थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि ये NTA की वेबसाइट की प्रॉब्लम है। आप उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछिए तो वो खुद बताते हैं कि ये टेक्निकल मैटर है, इसको दुरुस्त कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में आपने देखा होगा जब से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसे बीच बीच में इस तरह का प्रॉब्लम आया है, लेकिन NTA ने उसको क्या क्या दुरुस्त किया है। तो वो जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। आपसे अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप वेट कर लें। आप थोड़ा जब वेट करेंगे, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद ट्राई करेंगे तो वो हो जाएगा। उस दिन ना हो, 2 3 बार ट्राई करने के बाद, तो नेक्स्ट डे कर लीजिएगा। हालांकि अब आपके पास टाइम तो आज और कल का 2 ही दिन का बचा है, तो आज शाम तक, कल सुबह तक आप इसे कर लीजिएगा। आप ऐसे कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है डेट बढ़ जाए, तो इस तरह से आप मत सोचिए। आपको ये सोच के फॉर्म भरना चाहिए कि डेट वेट नहीं बढ़ेगी। 9 तारीख को आप लास्ट डेट मान के फॉर्म भरिएगा। इतना ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है, लॉगिन हो जाएगा। कुछ लोगों का आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, इसी तरह से डिफरेंट टाइम पर ट्राई करिए, ये वेबसाइट की प्रॉब्लम दुरुस्त हो जाएगी। ऐसा होता है। हाँ, हो सकता है आप जिस गैजेट से कर रहे हैं, जिस मोबाइल से आप ट्राई कर रहे हैं, उससे ना हो रहा तो मोबाइल बदल के कर लीजिए। मम्मी पापा दोस्त के मोबाइल से लॉग इन करके आप कर सकते हैं, तो भी ये समस्या दुरुस्त हो जाती है। मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम है, वेबसाइट की प्रॉब्लम है। ये डिफरेंट टाइम इंटरवल पर 2 2 घंटे के बाद 3 3 घंटे के बाद ट्राई करने पे 1 से 2 दिन में दुरुस्त हो जाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका आधार में नाम अलग है और 10th की मार्कशीट में अलग है। तो आपको फॉर्म में 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। आधार से नाम का वेरिफिकेशन नहीं होगा। हाँ, फिर आप उसके बाद आधार में नाम को करेक्ट करने के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, जिससे कि एज सुन एज पॉसिबल आपका नाम उसमें करेक्ट हो जाए। सेम प्रॉब्लम इज विद डेट ऑफ बर्थ। 10th की मार्कशीट में और आधार में डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस है, तो इसमें भी आपको फॉर्म में 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। इसका आधार से कोई मतलब नहीं है। आधार आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ है, आपकी आइडेंटिटी को बताता है। फिर वही बात है, डेट ऑफ बर्थ और अपने नाम को करेक्शन के लिए आधार में अप्लाई कर दीजिए। अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स में सेम चीज़ें होंगी तो कभी भी किसी स्तर पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप भरिए फॉर्म 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। वन मोर थिंग इज देयर कि कुछ बच्चों ने लेट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं होम पेज पे आ जाता है। तो इसके लिए भी यही है कि उस समय न करिए, थोड़ा रुक करके करिए, 1 2 घंटे बाद करिए, नेक्स्ट डे करिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर फिर भी ना हो तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 6398481016 इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। इवन आपका रजिस्ट्रेशन ना हो तो मैं अपने ऑफिस से इसका रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा, और आप बाद में OTP चेंज कर लीजिएगा, और जिससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे पास भेज दीजिए, मैं अपने ऑफिस से इसे करा देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, यही बात आपके लिए करनी थी। लास्ट मोमेंट है, करीब 55-54 डेज आपके पास नीट के लिए बाकी हैं, जम के तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2024। होप आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज सैमसिंग सर हियर। थैंक यू।